हेलो फ्रेंड, हेयर क्वेश्चन सेज फॉर फाइव चिल्ड्रेन विद एजेस, एज ऑफ चिल्ड्रेन ए इज लेस देन एज ऑफ चिल्ड्रेन बी, बी इज लेस देन सी, सी इज लेस देन डी एंड डी इज लेस देन ई। हेयर एनी टू सक्सेसिव एजेस डिफर बाई 2 ईयर्स एंड हेयर देयर इज क्वेश्चन एंड टू स्टेटमेंट्स। क्वेश्चन इज वट इज द एज ऑफ द यंगेस्ट चाइल्ड। स्टेटमेंट वन सेज द एज ऑफ द एल्डेस्ट इज 3 टाइम्स the age of the youngest, and statement 2 says the average age of the children is 8 years. Then we have to find the correct option in respect of the above question and the statements. Means is question mein 5 children diye gaye hain. Question mein diya gaya hai children A ki age children B ki age se kam hai, B ki age C se kam hai, C ki age D se kam hai and D ki age children E se kam hai. Ab agar is relation mein dekha jaye children E eldest ho jayega एंड चिल्ड्रेन ए यंगेस्ट हो जाएगा। तब यहाँ क्वेश्चन में कहा गया है यंगेस्ट चाइल्ड की एज क्या है। इसके लिए 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है एल्डेस्ट चाइल्ड की एज यंगेस्ट चाइल्ड से 3 टाइम्स है। एंड सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है इन 5 चिल्ड्रेन की एवरेज एज, एवरेज के लिए अब इस सम को 5 से डिवाइड कर देंगे। ये स्टेटमेंट 2 में दिया गया है 8 ईयर्स है। चिल्ड्रन की एज के रिलेशंस एज लेस देन बी, बी इज लेस देन सी, सी इज लेस देन डी एंड डी इज लेस देन ई दिया हुआ है। अब अगर हम ए की एज एक्स सपोज कर लें तब बी की एज एक्स प्लस 2 हो जाएगी, सी की एज एक्स प्लस 4 हो जाएगी, डी की एज एक्स प्लस 6 एंड ई की एज एक्स प्लस 8 हो जाएगी। क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है एनी 2 सक्सेसिव एजेस डिफर बाई 2 ईयर्स, इसलिए यहाँ पर कोई 2 क्रमागत एजों के बीच में 2 ईयर्स का डिफरेंस आ रहा है। हमें इन ऑप्शंस को भी देखना होगा कि इनमें क्या कहा जा रहा है। जैसे ऑप्शन बी, इसमें कहा जा रहा है क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाई यूजिंग आइदर स्टेटमेंट अलोन, मीन्स क्वेश्चन को अलग अलग स्टेटमेंट को अकेले लेकर आंसर किया जा सकता है। अब हम अलग अलग स्टेटमेंट्स को अकेले लेकर इस क्वेश्चन को आंसर करने को देखेंगे। जैसे स्टेटमेंट 1 में दिया गया है एल्डेस्ट चिल्ड्रन की एज यंगेस्ट चिल्ड्रन से 3 टाइम्स है। अब अगर हम यहाँ पर देखें एल्डेस्ट चाइल्ड की एज एक्स प्लस 8 है एंड यंगेस्ट चाइल्ड की एज एक्स है। अब इन वैल्यूज को हम इस रिलेशन में पुट करेंगे, इसलिए ई की जगह पर लिखा जा सकता है एक्स प्लस 8 इक्वल टू 3 इंटू ए की जगह पर एक्स। अब अगर इसको सॉल्व करें यहाँ पर 2x इक्वल टू 8 आ जाएगा एंड एक्स इक्वल टू 4 ईयर्स। और अब अगर हम यहाँ पर देखें x जो कि ए की एज मानी गई थी, इसलिए ए की एज 4 ईयर्स हो जाएगी और ए जो कि यंगेस्ट चाइल्ड है, क्वेश्चन में यही पूछा गया था। इसलिए अब हम कह सकते हैं स्टेटमेंट 1 अलोन क्वेश्चन को आंसर कर सकता है। अब केवल स्टेटमेंट 2 को लेकर देखते हैं। स्टेटमेंट 2 में दिया गया है इन 5 चिल्ड्रन की एवरेज एज एट ईयर्स है। अब हम इस रिलेशन को सॉल्व करने के लिए चिल्ड्रन की एज एक्स के टर्म में पुट करने जा रहे हैं, इसलिए ए की जगह लिखा जा सकता है एक्स, बी की जगह एक्स प्लस 2, सी की जगह हो जाएगा एक्स प्लस 4 प्लस एक्स प्लस 6 एंड प्लस एक्स प्लस 8। चिल्ड्रन की एजेस का सम नंबर ऑफ चिल्ड्रन से डिवाइड हो जाएगा एंड इक्वल टू 8 ईयर्स दिया गया है। अब इस रिलेशन को हम x के लिए सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 5x प्लस 20 इक्वल टू 40, देन 5x इक्वल टू 20 एंड x इक्वल टू 4 ईयर्स। यहाँ पर x जो कि यंगेस्ट चाइल्ड ए की एज हमने स्टार्टिंग में माना था, इसलिए यंगेस्ट चाइल्ड ए की एज हो जाएगी 4 ईयर्स और क्वेश्चन में यंगेस्ट चाइल्ड की एज ही पूछी जा रही है। इसलिए अब हम कह सकते हैं केवल स्टेटमेंट 2 से इस क्वेश्चन को आंसर किया जा सकता है। अब इसका कंक्लूजन हम यही निकाल सकते हैं कि दोनों स्टेटमेंट से सेपरेटली इस क्वेश्चन को आंसर किया जा सकता है और ऑप्शन बी में यही दिया गया है, क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग आइदर स्टेटमेंट अलोन, सो आवर आंसर विल बी ऑप्शन बी।